हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल टेक इनफो इन हिंदी में। मैं हूं अनीश और मैं आपसे आज बात करने वाला हूं LG V20 फोन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो फोन आ चुका है, इसका प्राइस अभी तक पता नहीं चला है, कब तक इसका प्राइस रिवील करता है ये भी समझ में नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। जब तक आएगा तब तक देखा जाएगा। अभी फिलहाल मैं आपको इसका पूरा स्पेसिफिकेशन आपको बता देता हूं, साथ साथ इसका जो मेरा ओपिनियन है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो चलिए इसका स्पेसिफिकेशन हम देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इसके डिजाइन की, तो यहाँ पे मेटल फिनिश ग्लॉसी लुक के साथ साथ ये फोन स्लिम भी है। और फ्रंट साइड की अगर हम बात करें तो वहां पे आपको कैमरे के साथ सेंसर, स्पीकर, डुअल स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा है। और बैक साइड अगर आप देखें तो वहां पे डुअल कैमरे के साथ विद डुअल LED फ्लैश भी मिल रहा है और फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ आपको नीचे तरफ में चार्जिंग पॉइंट, स्पीकर एंड माइक एंड 3.5 का जैक भी देखने को मिल रहा है। तो ये तो हो गया पूरा डिजाइन फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले तो यहाँ पे डुअल डिस्प्ले दिया गया है, मतलब एक डिस्प्ले आपको मिलेगा जो नॉर्मल मिलता है, ऊपर में छोटा सा डिस्प्ले आपको दिया गया है। जो नॉर्मल डिस्प्ले मिलता है वो 5.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है, जिसका रेजोल्यूशन 1440x2560 का आपको मिलेगा, जिसका PPI होगा 513 का। और जो सेकेंडरी डिस्प्ले है, मतलब जो छोटा वाला डिस्प्ले दिया गया है, वो 2.1 इंच का है, जिसका रेजोल्यूशन 1040x160 का होगा। तो ये तो बात हो गई डिस्प्ले की। अगर हम बात करें इसके इंटरनल पार्ट की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 820 का प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, जिसमें आपको 2 कोर्स 2.15 GHz का क्रायो का होगा और जो 2 कोर्स होगा वो 1.6 GHz का क्रायो का दिया गया है। अगर हम इसके मेमोरी की बात करें, मतलब इंटरनल मेमोरी की, तो 32 GB से 64 GB का आपको आ सकता है मेमोरी। और रैम की बात करें तो यहाँ पे 4 GB का रैम आपको दिया गया है। साथ साथ GPU की बात करें तो एड्रिनो का 530 का इसमें GPU इसमें लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसके कैमरे के बारे में जानते हैं। कैमरा बहुत ही खास है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 2 कैमरे लगे हुए हैं। पहला जो कैमरा है वो 16 MP का बैक कैमरा है और दूसरा कैमरा जो लगा हुआ है बैक में वो 8 MP का है। 16 MP वाले का एपरेचर आपको मिलेगा f/1.8 का और 8 MP वाले कैमरे का आपको एपरेचर जो मिलेगा f/2.4 का मिलेगा। इसमें जो फीचर्स अलग से दिए गए हैं वो सब आपको मैं बता दे रहा हूँ। लेजर एंड फेस डिटेक्शन आपको मिलेगा, ऑटो फोकस मिलेगा, डुअल LED फ्लैश भी मिलेगा आपको इसमें, जियो टैगिंग, पैनोरोमा, HDR, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेगी। अगर हम फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो 5 MP का फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिलेगा और उसमें जो एपरेचर होगा वो बहुत ही अच्छा है f/1.9 का। तो ये बात हो गई कैमरे के बारे में। अगर हम बात करें इसके बैटरी के बारे में, तो 3200 mAh का लिथियम का इसमें ड्यूरेबल बैटरी दिया गया है, जो कि आप बैटरी को निकाल भी सकते हैं। और इसमें फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दिया गया है, 3.0 क्विक चार्ज सपोर्ट करता है ये फोन। और अदर चीजों की बात करें तो यहाँ पे सबसे धमाकेदार चीज जो है, आपको नया चीज एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वो है नोगट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी मार्शमेलो तक आप यूज किए थे, लेकिन अभी एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है जिसको हम नोगट बोल रहे हैं और इसका 7.0 नोगट नाम है। तो ये आपको यूज करने मिलेगा इस पे। साथ साथ आपको अदर चीजों में नॉइस कैंसिलेशन के लिए आपको माइक दिए गए हैं बहुत सारे। साथ साथ आपको यहाँ पे सेकेंडरी डिस्प्ले दिया गया है, जिससे कि आप वहां पे ऐप देख सकते हैं, रिसेंट एप्स, नोटिफिकेशन और भी बहुत सारे चीज देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज दी गई है। अगर हम सेंसर की बात करें तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर पहली बात आपको मिल रहा है और जायरो, कॉम्पैस, एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, Wi-Fi, ब्लूटूथ, हॉटस्पॉट, GPS, NFC, ये सब चीज आपको इसमें टेक्नोलॉजी भरा हुआ है। तो ये हो गया पूरा स्पेसिफिकेशन इस फोन का फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपना ओपिनियन इस फोन के बारे में देता हूँ। मेरा ओपिनियन ये है फ्रेंड्स कि अभी तक तो प्राइस रिलीज नहीं हुआ, कितने प्राइस में आएगा, तो इसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अगर मैं जज करूं तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही हैं, जैसे कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम 7.0 नोगट का आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, यूज करने को मिलेगा। साथ साथ इस फोन में जो अच्छी बात यह है कि आपको नॉइस कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा मिलेगा। अगर आप वीडियो कहीं पर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस उस टाइम मिलेगा जब आपके बगल में या आपके आसपास कोई नॉइस है और वो आपका फोन रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ आपका वॉइस वो लेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है इस फोन की। और अगर हम कैमरे के हिसाब से देखें तो कैमरा बहुत ही जबरदस्त है, उसका एपरेचर जो आपने सुना मेरे से स्पेसिफिकेशन में, वो एपरेचर देखकर लगता है कि ये फोन बहुत ही जबरदस्त कैमरे वाला होगा। तो देखने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि ये कितने प्राइस रेंज में आता है, तभी हम इस फोन को जज कर पाएंगे कि उस प्राइस रेंज के हिसाब से ये मीट करता है कि नहीं, इसका जो पूरा स्पेसिफिकेशन है।
अगर कम प्राइस में आया तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर बहुत ज्यादा प्राइस में आ गया तो एक्सपेक्ट करने वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स बस यही बात है इस फोन के बारे में, इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर जरूर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूं। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू।